ट्रेनिंग के बाद कोई सर्टिफिकेशन भी होता है? हाँ, सर्टिफिकेशन होता है। वो मतलब चांस मिलते हैं, मान लीजिए कि किसी का पहला बार में सर्टिफिकेशन नहीं हुआ तो दूसरा चांस भी देते हैं? दूसरा चांस देते हैं ऑलमोस्ट। तो ज्वाइन करना तो बेसिकली इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन किसकी नहीं है? हाँ, देखो इसमें अंडर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। सैलरी भी यहाँ पे कम ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हाँ, वो मतलब वही पे। तो लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं? बस ऑल द बेस्ट, जिसको अभी जॉब की जरूरत हो आके यहाँ पे हम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अभी मैं हूँ नोएडा सेक्टर 16 में एजेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसपे मल्टीपल यहाँ पर डोमेस्टिक पोस्ट के लिए हायरिंग चलती रहती है। अभी मैं वहीं पे खड़ा हूँ गाइस। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन, वो है नोएडा सेक्टर 16। आपको बस यहाँ पे आना है। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है इसका, वो नोएडा सेक्टर 16 है। यहाँ पे इजीली आप आ सकते हैं। एजेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि स्टार्टअप यहाँ पर हो चुका है, पहले यहाँ पर एजेस प्राइवेट लिमिटेड था, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा सकता हूँ। और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, इंटरव्यू आपने काफ़ी बार दे दिया बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस के लिए यहाँ पे हायरिंग चलते रहती है। अगर आप टीम लीडर की यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं या एज ए एग्जीक्यूटिव लेवल की आप जो है जॉब सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटली आपको सारे प्रोसेस डोमेस्टिक देखने को मिल जाते हैं। गाइस, मैं रिकमेंड करूँगा जो भी कैंडिडेट, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक दो बार मैंने अभी यहाँ पे इंटरव्यू दिया है, लेकिन अभी जो है मैं रिज्यूम नहीं लाया हूँ, इसलिए मुझे एंट्री नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी जो है करंटली इसमें हायरिंग ऑन हो गई है। यहाँ पे जैसे कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि यहाँ पर करंटली हायरिंग ऑन है, तो उन्होंने बोला करंटली हायरिंग ऑन हो गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं। आप एजेस पहले इसकी जो टॉप बोर्ड हुआ था वो एजेस प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ था, लेकिन अभी वो हटा दिया गया है और बोर्ड पर जो है लिखा वी आर हायरिंग स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आपको बैक कैमरे से पूरा आपको जो है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइस, ये है एजेस कंपनी जो कि अभी स्टार्टअप कंपनी यहाँ पे हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वी आर हायरिंग वॉक इन ड्राइव। यहाँ पे देखो फ्रॉम 10 AM से लेकर 7 बजे तक आप जो है मंडे टू सैटरडे कभी भी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है स्टार्टअप एजेस, मतलब पहले एजेस था लेकिन ये स्टार्टअप के रूप में जाना जाता है। एड्रेस की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि ये इसका मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 16, और यहाँ पर आप इजीली आ सकते हैं। इसमें गाइस मल्टीपल प्रोसेस के लिए वॉक इन टू चलते रहते हैं मंडे टू फ्राइडे, जैसे कि इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। वी आर हायरिंग फॉर डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। और गाइस, आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है, अच्छे अच्छे प्रोफाइल में भी यहाँ पे वर्किंग है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ईजिली यहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो आप एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर एड्रेस यहाँ समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो स्टार्टअप की है, जो कि पहले एजेस के नाम से जाने जाती है। और यहाँ पे है इनका सुट्टा एरिया। गाइस, हर कोई कंपनी का सुट्टा एरिया होता है, तो ब्रेक टाइम पर आप यहाँ सुट्टा मारने आ सकते हैं, लंच ब्रेक के लिए बाहर आ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइस, मंडे टू सैटरडे यहाँ पे हायरिंग चलती रहती है। और एंट्री गेट गाइस यहाँ से है, एंट्री आप यहाँ से ले सकते हैं ईजिली, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप ब्रेक टाइम पे बाहर भी आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ बंदों से बात करने की कोशिश की है जो कि ऑलरेडी एजेस में वर्किंग है करंटली। तो चलिए मैं आपका उनका फीडबैक जो आपको जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। अनपेड होती है, अनपेड नहीं होता। आपकी पेड नहीं है? अनपेड थी। ट्रेनिंग इसमें अनपेड होती है, लेकिन 14 दिन के बाद अगर आपका ट्रेनिंग के बाद कोई सर्टिफिकेशन भी होता है? हाँ, सर्टिफिकेशन होता है। वो मतलब कराते हैं, वो बताते हैं ना अपने स्किल वगैरह बताते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशन होगा, उसमें आप डन हो जाओगे फिर। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई तो ऐसा तो नहीं होगा कि कई सारे कैंडिडेट जो होते हैं सर्टिफिकेशन बाहर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नॉर्मली मतलब पॉसिबल नहीं है। वो सिलेक्ट कर देते हैं तो हो जाता है सर्टिफिकेशन। बहुत कम ही चांस है, मतलब 95% चांस है जो मतलब बाहर हो जाते हैं। ओके ओके। तो जैसे कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर सब कुछ बताया जाता है, तो कितने चांस मिलते हैं? मान लीजिए कि किसी का पहला बार में सर्टिफिकेशन नहीं हुआ तो दूसरा चांस भी देते हैं? दूसरा चांस देते हैं ऑलमोस्ट। ओके। तो इसमें बेसिकली अगर यहाँ पे ज्वाइन करना तो बेसिकली इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन किसकी नहीं है? हाँ, देखो इसमें अंडर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। ओके। हाँ, और ग्रेजुएट भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अंडर ग्रेजुएट भी काम मतलब है इसमें। तो सैलरी भी यहाँ पे कम ज़्यादा देखने को मिल जाती है? हाँ, वो मतलब वही पर डिस्कस है, वो सैलरी मतलब डिस्कस बाहर करना मना है, लेकिन वो सैलरी आपको बता देंगे आप। हाँ, डिपेंड करता है आपके डिपेंड। हाँ, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी भी आप नेगोशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है उज्ज्वल, जिनने की 1 मंथ बिफोर यहाँ पे ज्वाइन किया था, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो ये मुझे करंटली यहाँ पे मिल गए थे रैंडमली।
तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे ज्वाइन करके, और इनके साथ साथ इनके दोस्त जो हैं इनसे भी थोड़ा इंट्रोडक्शन कराइए। आपका नाम क्या है? आपका भी सेम प्रोफाइल है? ओके, तो ये दोनों जो है दोस्त हैं, और जो कैमरा मैन है ये भी इनके फ्रेंड हैं। ये आना नीचे आते थोड़ा जो है साइड टाइप का है, तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा जो भी कंटेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन करना चाहते हैं स्टार्टेक या एजेज में या इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप इजीली आप वॉक इन थ्रू आ सकते हैं। कोई आपको रेफरेंस या फिर मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि वॉक इन आए थे इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया। तो करंटली आप कहाँ पर रहते हैं? मैं जयपुर में रहता हूँ, मतलब। तो वहीं से आप डाउन करते हैं? आप डाउन डेली करते हैं। कितना टाइम लगता है आपको? 45 मिनट। तो भाई आपको घबराने कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो भी कंटेंट इंटरेस्टेड है तो आप जल्द से जल्द यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं? बस ऑल द बेस्ट, जिसको भी जॉब की जरूरत हो आके यहाँ पे हम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच उज्जवल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम। आई होप यू गाइस ये वीडियो पसंद आए, उसकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये है स्टार्टअप कंपनी एजेस जो कि नोएडा से 15 में है। सारे अपडेट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नोएडा सेक्टर 16 की मेट्रो की ओर। तो अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।